हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे बेवज़िला ब्रांड का आइस टी। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया। इसका प्राइस मुझे पड़ा 319 रुपीज़ फॉर अ पैक ऑफ 10 सैशे। ये 10 सैशे मुझे मिला है एंड 30 ग्राम्स पर सैशे है फॉर 300 मिलीलीटर ऑफ चिल्ड वाटर। तो इसको ट्राई करते। बैक साइड अगर पैकेट का देखे तो लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ 10 ग्राम्स फॉर 100 मिलीलीटर ऑफ चिल्ड वाटर रेडी इन 30 सेकेंड्स। फ्लेवर एंड इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर देखे तो इसमें लिखा हुआ है एनर्जी 30 कैलोरीज पर सैशे। सो इट इज 30 कैलोरीज। डेट ऑफ पैकेजिंग मार्केटेड बाय बेवज़िला। दिस इज अ बेस्ड इन दिल्ली एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी इन मध्य प्रदेश। तो इसको खोलते और ट्राई करके मैं बताता हूँ ये कैसा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इसके अंदर मुझे मिला है अलग अलग फ्लेवर्स का आइस टी। दिस इज वाटरमेलन, चेरी, ब्लूबेरी, लेमन मिंट, ग्रीन एप्पल, पीच पैशन, ब्लैक करंट, एप्पल सिनेमन, लेमन एंड वनीला। तो मैं आज ट्राई करता हूँ सबसे पहले लेमन आइस टी, जो कि सबसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हो मैं मंगवा लिया हूँ कोल्ड वाटर, आप जैसे देख रहे हो। इसमें मैं सैशे को खोलूँगा और मैं पोर करता हूँ। देख सकते हो आप, पूरा सैशे को मैं खाली कर दिया हूँ एम्प्टी ग्लास में। अब इसमें मैं डालूँगा कोल्ड वाटर विथ आइस। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं पाउडर को एक कोल्ड वाटर में डाल दिया हूँ, ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। आइस डाल के मैं इसको स्टर कर दिया हूँ। स्टर करने के बाद मैं इसको ट्राई करता हूँ। इट्स नॉट बैड। थोड़ा सा ये स्वीट मुझे लग रहा है। अगर थोड़ा लाइम फ्लेवर ज़्यादा होता तो और बेटर होता। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट इज़ गुड बट नॉट द बेस्ट टिल नाउ। अगर आप प्राइस वाइज कंपेयर करो तो नेस्टी का जो आइस टी आता है लेमन फ्लेवर, 400 ग्राम्स का पाउच आता है, दैट इज़ 480 रुपीज़ एंड दिस इज 300 ग्राम्स और 319 रुपीज़। तो प्राइस वाइज दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, बट अगेन इसमें आपको इंडिविजुअल सैशे मिल रहा है। नेस्ले में आपको बल्क पाउडर मिलता है एंड इसमें आपको अलग अलग फ्लेवर्स भी मिल रहा है। तो मैं एक और फ्लेवर ट्राई करता हूँ विच इज़ ग्रीन एप्पल। तो इसको मैं खोलता हूँ। तो मैं ग्रीन एप्पल फ्लेवर अब मैं ट्राई करूँगा। मैं पाउडर को डाल दिया हूँ एंड इट नीड 30 सेकेंड्स। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ एंड आई शुड वेट फॉर 30 सेकेंड्स। आइस शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया तो थोड़ा आइस को मैं निकाल दिया हूँ। अच्छा से स्टर होने के बाद कलर आप देखो तो दोनों का एक ही है, काफ़ी कंसिस्टेंट कलर है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लेवर। तो मैं अब ग्रीन एप्पल आइस टी ट्राई करके मैं बताता हूँ ये कैसा है। नाइस दोस्तों, दिस इज रियली रियली गुड। मैं इसको देता हूँ रेटिंग 10 out of 10। मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये प्री मिक्स पाउडर है आइस टी का। लेमन, ऑनेस्टली लेमन फ्लेवर वॉज वेरी एवरेज। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा नया वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू एंड गुड बाय।